नमस्कार, हिंदी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और चलिए बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रामपुर से, जहां आजम खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ और कोर्ट ने 16 सितंबर को हाजिर होने का आदेश दिया। जयाप्रदा पर अमर्यादित टिप्पणी करने का वारंट जारी हुआ है। 3 और मामलों में भी गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। तो अहम खबर रामपुर से, जहाँ आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और पुलिस का शिकंजा भी उन पर कसता जा रहा है। अब उन पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। आजम खान के खिलाफ ये वारंट जारी हुआ। जयप्रदा पर अमर्यादित टिप्पणी करने पर ये वारंट जारी किया गया है। तो कोर्ट ने 16 सितंबर को हाजिर होने का आदेश दिया था। अहम खबर आपको रामपुर से बता रहे हैं, जहां पर आजम खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है और लगातार आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जयप्रदा पर उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की थी और जिसके बाद अब उन पर गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेश दिवाकर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश, आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, अब उन पर गिरफ्तारी वारंट खिलाफ उनके जारी हुआ। जी बिल्कुल, आजम खान साहब के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। और जहां तक आजम खान ने, क्योंकि मर्यादित टिप्पणियां की थी जयप्रदा को लेकर और संसद में बैठी उनको लेकर और काफी किसानों को धमकाने को लेकर, और जिस तरह से आजम खान अपनी भाषाओं से बाज नहीं आते थे, लेकिन आजम खान अब और भी मुश्किलों में आते जा रहे हैं। और आजम खान की सेशन कोर्ट ने रामपुर इनकी याचिकाएं भी डाली थी, इन्होंने कुछ वो भी खारिज कर दी हैं। तो आजम खान की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और इसी तरह से अब आजम खान की गिरफ्तारी देखने वाली बात ये दिलचस्प होगी कि आजम खान की गिरफ्तारी किस समय कहाँ हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कोर्ट ने 16 सितंबर को हाजिर होने का दिया आदेश। और आजम खान की मुश्किलें चौतरफा बढ़ रही हैं। अब आजम पर बिजली और पानी चोरी का भी आरोप लग रहा है। आजम पर आरोप है कि उन्होंने किसानों का पानी अपने रिजॉर्ट में इस्तेमाल किया और बिना कनेक्शन बिजली का भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आजम खान पर आफत आई तो चारों ओर से। आजम पहले से ही मुकदमों की मार झेल रहे थे और अब बिजली और पानी चोरी का आरोप सपा सांसद पर लगा है। आजम खान पर आरोप है कि उनके रिजॉर्ट हमसफर में बिना कनेक्शन बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी शिकायत पर बिजली विभाग की टीम हमसफर रिजॉर्ट पहुंची और जांच पड़ताल के बाद बिजली कनेक्शन काट दिया गया। बिजली चोरी का तो इन्होंने केबिल एक डाल रखा था, वहां से प्रॉपर कनेक्शन नहीं है इनका, और जो ये जितना लोड इनका है उस हिसाब से इनकी कनेक्टिविटी नहीं है। तो उस हिसाब से फिर SDO साहब आए थे बिजली वाले, इन्होंने अपना उसमें अवैध पाया है, उस तरह की बिजली की चोरी हो रही है यहाँ पे, तो उसके संबंध में ये अपना FIR पंजीकृत कर। सर, बिजली चोरी में बिजली काट दी गई है? सर, बिजली काट दी गई है और उसकी अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। तो आजम खान चोरी से अपने रिजॉर्ट में बिजली जला रहे थे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि रिजॉर्ट में छापेमारी के दौरान यहाँ नलकूप विभाग का ट्यूबवेल भी पाया गया। इस ट्यूबवेल को किसानों की खेती की सिंचाई के लिए लगाया गया था। प्रशासन जांच कर रहा है कि इससे किसानों को पानी मिलता भी था या नहीं। ये हम सफर के संबंध में ये शिकायत हुई थी कि यहाँ पर जो पानी की टंकी है उसका अवैध ढंग से पूरा पानी सप्लाई इनके यहाँ हो रहा है हम सफर में, तो उसी की जाँच के लिए हम लोग जल निगम के FCN साहब को लेकर हम आए थे, तो उन्होंने इसकी जांच की है। अब इसका ये देखना है कि इस पानी की कनेक्टिविटी वैध है या अवैध है, ये अभी नगर पालिका से दिखवाने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। दूसरी बात थी, यहाँ नलकूप विभाग का ट्यूबवेल लगा हुआ है, तो उस ट्यूबवेल को लगाया गया है किसानों की सिंचाई के लिए, तो उसको ये देखना था कि उसमें किसानों की सिंचाई उससे हो रही है या वो केवल हमसफर रिसोर्ट में ही उसका पानी सप्लाई हो रहा है। तो अभी तो प्रथम दृष्टया जो है, जो अगल बगल किसानों से पूछा गया और चीज़ें, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि हमको यहाँ से पानी नहीं मिलता है। तो पहले से ही मुकदमों का बोझ झेल रहे आजम खान पर बिजली और पानी चोरी का आरोप लग रहा है। इस बीच रामपुर कोर्ट ने 5 मामलों में आजम खान की याचिका खारिज कर दी। दरअसल रामपुर में आजम खान के खिलाफ थोक के भाव मुकदमे दर्ज हैं। आजम पर आरोप है कि आजम खान पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगा है। किसानों का आरोप है कि आजम ने उनकी जमीन जबरन जौहर यूनिवर्सिटी में मिला ली। इस मामले में आजम खान पर रामपुर में 28 मुकदमे दर्ज हैं। आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर किताब चोरी का भी आरोप लगा है। आजम पर लोगों के मकान तोड़वाने का आरोप लगा है। आजम खान पर रामपुर क्लब के शेर की मूर्तियों की चोरी का भी आरोप है।
पड़ोसियों से रंगदारी वसूलने का आरोप भी आजम खां पर लगा है। आजम खां को भू माफिया भी घोषित किया जा चुका है। तो पहले से ही मुकदमों की मार झेल रहे आजम खां पर अब बिजली और पानी चोरी का मुकदमा दर्ज होने वाला है। मतलब साफ है कि आजम खां की मुश्किलें अब और बढ़ेंगी। सुरेश दिवाकर, रामपुर, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।